हेलो व्यूअर्स, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुरेश जैन। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कोरोना से ठीक होने के बाद की समस्याएं वो उनका समाधान, प्रॉब्लम्स आफ्टर रिकवरी फ्रॉम कोरोना एंड देयर सॉल्यूशन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक साल से अधिक का समय हो गया है हम लोग इस कोरोना पेंडेमिक को फेस कर रहे हैं, करोड़ों लोग इस कोरोना बीमारी से संक्रमित हुए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है तो उनमें से अधिकतर ठीक हो गए हैं। करीब 10% लोग ही ऐसे हैं जिनका टेस्ट तो कोरोना नेगेटिव हो गया लेकिन उनका हेल्थ पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ। किसी को खांसी है, किसी को सांस फूल रहा है, किसी को छाती में दर्द है, किसी को पल्पिटेशन, किसी को थकान, किसी को कमजोरी, किसी को सिर दर्द, शरीर दर्द, किसी को लो ग्रेड फीवर, किसी की भूख गायब, किसी का टेस्ट गायब, किसी का स्मेल गायब, किसी को नींद नहीं आती, किसी को घबराहट होती है, किसी को चिंता होती है, एंजाइटी होती है। उन्हीं सभी को मिला करके हम लोग बोलते हैं पोस्ट कोविड सिंड्रोम या लॉन्ग कोविड हो गया है। आइए आज के इस वीडियो में हम सब यही चीजें समझने की कोशिश करते हैं और उनका समाधान क्या हो सकता है हम ये भी जानते हैं। आज के इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए गुवाहाटी के जाने माने सीनियर मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर कमल जैन मेरे साथ में हैं। इनको 20 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और इनका कोविड और डायबिटीज़ में, इन दोनों में स्पेशल इंटरेस्ट है। अभी तक इन्होंने 500 से ज़्यादा कोरोना रोगियों का इलाज किया है और आपने मेरा ये निमंत्रण स्वीकार किया कमल, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप मेरे साथ में मेरी चैनल चाइल्ड केयर भी डॉक्टर सुरेश जैन पर जुड़े हो। आज का हमारा सेशन सबके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, इसी आशा के साथ डॉक्टर कमल नाउ लेट अस स्टार्ट अवर सेशन ऑन टॉपिक लॉन्ग कोविड। मेरा आपसे पहला सवाल, जो कोरोना रोग के बाद में होने वाला ये लॉन्ग कोविड या जिसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम कहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को आप कुछ बताइए। सबसे पहले तो मैं सुरेश जी आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे यह निमंत्रण दिया आपके चैनल पे और आप एक बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं जो कि हमारी आम जनता को इससे काफी इंफॉर्मेशन और हेल्प मिलती है। इस कोविड टाइम पे जब डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है फिजिकली, तो सब कोई यूट्यूब या उस तरफ अपना एक सही इंफॉर्मेशन जहाँ मिल जाए, तो आपका चैनल बहुत ही अभी इस कोविड टाइम में काफी हेल्पफुल है पब्लिक के लिए। जहां तक कोरोना की बात हो रही है और कोरोना की पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड की बात हो रही है, अभी कोरोना सबके लिए नया है, ये हम सब जानते हैं। आज 1-1.5 साल हो गया हम इसे ट्रीट कर रहे हैं, तो इसके हर दिन नए नए चेहरे हमारे सामने में आते हैं। तो हम लॉन्ग कोविड बोलते हैं कि जब जितने भी कोविड पेशेंट है, जो नॉर्मल जो कोविड होता है वो 10 दिन के अंदर में ठीक हो जाता है, यानी कि बहुत कम पेशेंट होते हैं जिनको 5 दिन या 4 दिन बाद कोई सिम्टम होता है। मतलब 90% पेशेंट 3rd, 4th, 5th दिन बाद बोलते हैं मुझे कोई तकलीफ ही नहीं है। कुछ एक को 10वें दिन तक तकलीफ रहती है और जिनको 3 हफ्ते तक तकलीफ रहती है, 3 हफ्ते बाद तक तकलीफ रहती है, उनको हम लोग एक्यूट पोस्ट कोविड बोलते हैं। कि भाई पहला सिम्टम उनको अभी 3 हफ्ता हो गया और अभी भी उनको सिम्टम है, जैसे कोई भी तकलीफ है, हम उसे कहते हैं कि वो एक्यूट पोस्ट कोविड। और कई ऐसे मरीज हैं जिनको करीबन 3 महीने बाद तक सिम्टम रहते हैं, उसमें कुछ कोरोना की वजह से कोई ना कोई तकलीफ रहती है, तो उसको हम कहते हैं क्रॉनिक पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड। दोनों ही लॉन्ग कोविड के पार्ट है, एक होता है जो 3 हफ्ते तक सिम्टम रहते हैं और एक है कि जो आपको 3 महीने तक उसमें कुछ ना कुछ तकलीफ, 3 महीने के बाद तक उनको कोई ना कोई तकलीफ रहती है। तो दोनों का कारण जो कोविड के, चाहे वो मरे हुए बीजाणु हो या कुछ ना कुछ उनमें इंफ्लामेशन चलता रहता है, इस वजह से पेशेंट को कुछ ना कुछ तकलीफ चलती रहती है। इनमें से सबसे ज्यादा जो तकलीफ, सबसे कॉमन जो 75% लोगों को मिलती है वो है थकावट। शायद सारे पेशेंट यही कंप्लेन करते हैं, सर बहुत वीकनेस लग रही है, बहुत थकावट लग रही है,
सब खा रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, विटामिन भी खा रहा हूँ, लेकिन थकावट हमारी नहीं जाती है। तो ये सबसे कॉमन है। बाकी बहुत सारे इसमें सिम्टम है, सर दर्द है सबसे कॉमन नेक्स्ट आता है, कोई को चक्कर आ रहे हैं, किसी को सुनापन है, किसी को कुछ सोचने में तकलीफ हो रही है, कंफ्यूज रहते हैं, किसी को छाती में दर्द है, किसी को धड़कन तेज हो जाती है, और हर सिस्टम, चाहे वो लंग्स हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो जॉइंट पेन हो, हर सिस्टम को ये पोस्ट कोविड में इफेक्ट होता है। हर विभाग में इसका कोई ना कोई कनेक्शन है। तो डॉक्टर कमल, ये कितना कॉमन है? ये हम लोग जैसे जानते हैं कि 80-85% तो माइल्ड रोगी होते हैं, 10% करीब मॉडरेट हैं, और 5% ही सीवियर होते हैं। तो क्या ऐसा है कि ये लॉन्ग कोविड जो होगा ये ओनली उन्हीं के होगा, दोज हु आर एडमिटेड इन द हॉस्पिटल और दोज हु हैव बीन गिवन इंटेंसिव सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट, और इट कैन हैपन टू एनीवन? जिनको सिम्टम भी नहीं है ना, पहले 10 दिन में सिम्टम भी नहीं रहा, उसको भी लॉन्ग कोविड हो रहा है। यानी कि हर किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो एडमिट है और जो घर में है उनको भी हो रहा है, जो एडमिट है उनको तो हो ही रहा है बहुतों को, लेकिन जिसको सिम्टम था ही नहीं कोरोना के दौरान उसको भी अभी लॉन्ग कोविड के सिम्टम्स आ रहे हैं। आप कह रहे हो कि ये माइल्ड मॉडरेट सीवियर किसी के भी हो सकता है, सब कैटेगरी जो एसिम्प्टोमेटिक है उन लोगों के भी हो सकता है, राइट? तो अब ये बात है, ऐसा क्या फैक्टर है, मतलब क्या कारण ऐसा हो सकता है जिनके कारण किसी को तो होता है और किसी को नहीं होता, मतलब क्या क्या मैकेनिज्म्स हो सकती है, क्या क्या पैथोजेनेसिस इसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं? जो हम देख रहे हैं जिनको सिम्टोमेटिक बहुत ज्यादा सिम्टोमेटिक रहे पहले 10 दिन, जिनको काफी बुखार रहा छठा सातवां दिन तक, जिनको काफी पेट की शिकायत रही, जिनको काफी खांसी रही, उनमें तो हो ही रहा है लॉन्ग कोविड। लेकिन कई ऐसे हैं जैसे जिनको मतलब कि जो ओबेज है, मोटे लोग हैं, जिनको कैंसर है, जो सीनियर है मतलब एल्डरली है, और जिनको हाई प्रेशर है, जिनको पुरानी बहुत सारी अलग अलग बीमारियां, उनको भी हो रहा है। लेकिन ज्यादातर लोग एजेड हैं और डायबिटिक हैं, हाई प्रेशर वाले हैं, मोटे लोग हैं, कैंसर है, उनमें तो होता ही है। लेकिन नॉर्मल जो यंगस्टर्स है उनमें भी लॉन्ग कोविड देखा जाता है। तो इसके कारण कई हो सकते हैं कि उनके अंदर में एंटीबॉडी बना ही नहीं, एक रीजन कि कोविड आया फिर भी एंटीबॉडी इतना अच्छा प्रोडक्शन नहीं हुआ। दूसरा है कि उनकी अपनी इम्यूनिटी थोड़ी कम है, बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, जो पहले से इतने ज्यादा एक्टिव नहीं रहे अपने, जब उनको कोरोना नहीं था उतने लाइफस्टाइल उनकी अच्छी नहीं रही, उनमें भी देखा जाता है। जो घर में काफी दिन रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, उन लोगों में भी ये माना जाता है, देखा गया है कि उनके अंदर में लॉन्ग कोविड की प्रॉब्लम्स आई है। Is there any preventive measure so that we can prevent? जो अभी हम लोग जो एडवाइस करते हैं पेशेंट को कि भाई आपको अब कोविड हुआ है तो आप कुछ बेसिक चीजें पर ध्यान रखें। नंबर वन, आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। डाइट के अंदर में आप पानी बहुत अच्छे से पिए, आप फ्रूट्स का इंटेक बहुत अच्छा करें, कम से कम 4-5 तरह के फ्रूट खाएं, सब्जियां ज्यादा खाएं, प्रोटीन का इंटेक आप ज्यादा करें। अब प्रोटीन में आप वेज में भी बहुत सारे प्रोटीन है, नॉन वेज वाले तो करते ही हैं, लेकिन आपको प्रोटीन वेजिटेरियन को स्पेशली अपने जो वेज प्रोटीन है, जैसे छन्ना हो गया, राजमा हो गया, दाल हो गई, दही हो गया, दूध हो गया, इन सब का सेवन अच्छा से करना चाहिए। अब क्या होता है कि कोरोना में कई लोग सोचते हैं हमें छाछ नहीं पीनी चाहिए, दही नहीं पीना चाहिए, खांसी हो जाएगी, ऐसा कुछ है नहीं। बट इट्स ए गुड सोर्स ऑफ, आपके लिए एक लैक्टोबैसिलस भी मिलता है पेट के लिए और साथ में आपको प्रोटीन भी मिलता है। इसके सिम्टम्स क्या सभी लोगों में सेम है ना, पेशेंट वाइज ये सिम्टम्स वेरिएबल है? इस सिम्टम तो सब में वैराई करते हैं, किसी को थकावट ज्यादा होती है, किसी को सर दर्द ज्यादा होता है, किसी को हाथ पैर का दर्द ज्यादा होता है, किसी को खांसी होती है, किसी को सांस लेने में तकलीफ होती है, किसी को चलने में चक्कर आते हैं, और किसी को आपको धड़कन बहुत सुनाई देती है, किसी किसी को सोचने की शक्ति भी हम देख रहे हैं, और सबसे कॉमन तो अभी जैसे ये भी बोलते हैं मुझे अभी तक खाने का और सुनने का टेस्ट भी नहीं आया और स्मेल भी नहीं आया। तो इस तरह के सिम्टम बहुत तरह के वेरिएबल हैं जो हर हर कैटेगरी के लोगों को होते हैं।
इनमें से सबसे कॉमन थकावट है जो कि 70-80% लोगों में देखा जाता है। तो अपना डायग्नोसिस करने के लिए अलग से तरीका है कोई? इसमें डायग्नोसिस तो मैक्सिमम आप अपने जो भी है कोविड हो गया तो आप अपने जो डॉक्टर से फॉलोअप कर रहे हैं उनसे आप टच में रहिए, ऐसे नहीं कि 10 दिन हो गया आप डॉक्टर साहब को भूल गए। हाँ, आपको कोई भी तकलीफ होती है आप 10 दिन के बाद हफ्ते भर बाद फिर आप अपने डॉक्टर से चाहे ऑनलाइन या फिजिकल मिलिए, उनको अपनी तकलीफ बताइए। और रूटीन कुछ ब्लड टेस्ट है जो आप हमेशा करना है, जो आपके डॉक्टर बताएंगे, जिसे पता पड़ेगा कि अभी भी आपका इंफ्लेमेशन चल रहा है या नहीं, तो वो रूटीन टेस्ट आपका डॉक्टर बताएगा, उससे हमें हिंट हो जाता है कि अभी इस पेशेंट को लॉन्ग कोविड की प्रॉब्लम अभी भी चल रही है। रोगी अपना इसमें एक्स्ट्रा केयर क्या ले, एक्स्ट्रा क्या चीजों पर ध्यान दे जिससे उसका ये बीमारी जो लॉन्ग कोविड वाला बीमारी है जल्दी से जल्दी चला जाए, कुछ एक्स्ट्रा केयर लेने की जरूरत है उसको? सबसे इम्पोर्टेंट 3 चीज है इसमें। नंबर 1 है उनको पेशेंट को डाइट पे बहुत अच्छा फोकस करना है, सारे दिन कुछ न कुछ हल्का फुल्का नॉर्मल सिंपल डाइट खाते रहना है जिसमें फ्रूट्स का इंटेक ज्यादा हो, प्रोटीन का इंटेक ज्यादा हो। हाइड्रेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, आप थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगे, पानी पीना या जूस पीना या आपको लाइम वाटर या कुछ भी जो आपको पसंद है वो पानी के लिक्विड फॉर्म में आप सारे दिन रखिए। नंबर 3 है रेस्ट, आप अपने बॉडी को थोड़ा रेस्ट दें ताकि वो रिकवर कर सके। अब कई लोग होते हैं आज कोविड खत्म हुआ और कल ही अपने काम काज पे और स्पीड में भागने निकल जाते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, ऐसा नहीं करना। आपकी बॉडी परमिट करती है उतना ही आपको काम करना है, अगर आप थक रहे हैं तो आप ज्यादा काम ना करें, तो रेस्ट आप रेस्ट लें फिर काम करें, रेस्ट लें काम करें, इस हिसाब से आपको अपने बॉडी को समझना है, अपने हेल्थ को समझना है कि अभी मेरी हेल्थ बोल रही है कि मुझे काम करने के लिए अलाउ कर रही है, मैं ज्यादा थका हुआ नहीं हूँ तब मैं काम करूँ। तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी अपने डॉक्टर से टच में रहें, कुछ रूटीन ब्लड टेस्ट है जो आपको कुछ कुछ इंटरवल में कराते रहना। मतलब आपका कहने का मतलब है कि रेस्ट और एक्सरसाइज के बीच में बैलेंस बैठा के रखना पड़ेगा, बैलेंस डाइट हो, पानी उसको ज्यादा मिले, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज्यादा खाएं, हाई इन्फ्लेमेटरी फूड्स नहीं खाएं, मतलब बाजार के पैकेज फूड वगैरह नहीं खाएं। कोई इसका स्पेसिफिक मेडिसिन भी है क्या? इज देयर एनी स्पेसिफिक मेडिसिन जिससे जल्दी पेशेंट ठीक हो जाए? रूटीन मेडिसिन में आपको कुछ एक विटामिन है जैसे जो कंटिन्यू करते रहना है, जो भी रूटीन आपको मल्टी विटामिन है वो लेते रहना है, विटामिन डी आपका चलता रहना चाहिए, बाकी जो सिम्टम है उस हिसाब से अपन को उसको ट्रीट करना है। अगर आपको सर दर्द है तो सर दर्द की दवाई लेनी है, ज्वाइंट पेन है तो ज्वाइंट की दवाई लेनी है, अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, छाती में धड़कन हो रही है तो उसके लिए ECG करना है और हार्ट के डॉक्टर को मिलना है, खांसी हो रही है तो उसके लिए आपको अगर ड्राई खांसी है तो कफ सप्रेशन लेना है, और आप स्टीम ले सकते हैं, गार्गल कर सकते हैं, ये सब आपको रेगुलर में चलते रहना। कोई स्पेसिफिक डाइट, कोई भी एक दो चीज ऐसी जिनके खाने से जल्दी ठीक हो जाए? कह चुका हूँ डाइट बिल्कुल नॉर्मल बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट होनी चाहिए जो आप खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा करना है, आपको खाली डाइट में आप जो खाते हैं उसमें प्रोटीन बढ़ा दें और फ्रूट्स की इंटेक बढ़ा लें और लिक्विड इंटेक बढ़ा लें, फ्रूट में सारे तरह के फ्रूट आपका खाना जो है ना, हर तरह के फ्रूट होना चाहिए, एक ही नहीं कि एक ही टाइप के फ्रूट खाने, आप 4-5 तरह के फ्रूट खाइए, ड्राई फ्रूट लीजिए, और आप प्रोटीन में जैसे अपने यहाँ दाल कॉमन है, राजमा है, ये सब का आप इंटेक बढ़ा लें, तो ये मतलब इम्पोर्टेंट है आपके न्यूट्रिशन, प्रोटीन आपको क्या है कि रिकवरी में हेल्प। मार्केट में जो रेडीमेड प्रोटीन प्रिपरेशन आती है क्या इनका सेवन किया जा सकता है, प्रोटीन पाउडर्स जो आते हैं? हाँ, कर सकते हैं आप, जो भी वे प्रोटीन अवेलेबल है जो मेडिकली हम प्रिस्क्राइब करते हैं आप उनका सेवन दिन में 1-2 बार कर सकते हैं। डॉक्टर कमल, ऐसा सुना है कि बहुत लोग हॉस्पिटल से छुट्टी होते हैं, ठीक ठाक रहते हैं, और ऑल ऑफ ए सडन 10-15 दिन बाद में सुनने में आता है कि वो सडनली ही एक्सपायर्ड। ऐसा कुछ वार्निंग सिग्नल्स या कोई रेड फ्लैग साइंस है क्या जो इनको, इन लोगों को ध्यान में रखना चाहिए जिससे वो अपना तुरंत इलाज करवा सके? सबसे इम्पोर्टेंट है फॉलोअप, जब भी आप डिस्चार्ज हो जाए तो ये मत भूलिए कि आप कोविड से ठीक हो गए हैं। जनरली क्या होता है, पेशेंट नेगेटिव हो गया है, परिवार वाले भी ये सब सोचते हैं अब तो ठीक हो गया है, तो उनकी तरफ से ध्यान बहुत हद तक हट जाता है, उनका मॉनिटरिंग भूल जाते हैं, वो उनका पल्स चेक करना भूल जाते हैं, ऑक्सीमीटर चेक करना भूल जाते हैं, और
बिल्कुल मतलब सब नॉर्मल सा हो जाता है कि भाई आप ठीक हो गए, तो आपको अपने डॉक्टर से फर्स्ट 7 डेज पे पहली बार फिर से रीचेकअप पे जाना है। 7 दिन के अंदर अंदर ही आपको अपने डॉक्टर से मिलना है, और आप अपना ऑक्सीमीटर, पल्स, ये सब रीडिंग आप मॉनिटर करके रखें, लिख के रखें। जब भी आपको लगता है कि आपको ऑक्सीजन 92 के नीचे आ रहा है, पल्स बढ़ रही है, तो आपको इमीडिएट अपने डॉक्टर को कॉन्टेक्ट करना। मतलब सबसे बेस्ट चीज है ऑक्सीमीटर, जो कि कोई भी आम आदमी भी उसको यूज कर सकता है और वो जल्दी से जल्दी हमें वार्निंग साइन के बारे में बता देता है। नॉर्मल में ये जो लॉन्ग कोविड होता है, नॉर्मल में एक कितना ऑन एन एवरेज टाइम लग जाता है ठीक होने में पेशेंट? 90% पेशेंट जो होम आइसोलेशन पे है वो अधिकतर 3 हफ्ते में से 1 महीने में रिकवर हो ही जाते हैं। ऑलमोस्ट 99% में कहूँगा कि उनको 1 मंथ के बाद इतना कोई सिम्टम नहीं होता, सिवाय जो अपने हॉस्पिटल है जिसको निमोनिया हो गया और जिसको लंग इफेक्ट हुआ है, उनको भी 1 से 2 महीना तक परेशानी रहती है लंग की, और किसी किसी को थोड़ा लंबा रहता है। वो हार्डली 1% से कम लोग हैं जिनको लंग काफ़ी डैमेज हो गया है, उनको काफ़ी ज़्यादा मॉनिटरिंग की ज़रूरत है। बाकी अभी तक जितने भी हम केस देख रहे हैं उसमें विद इन 2 मंथ्स लंग भी रिकवर हो गई है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की भी जरूरत नहीं पड़ती है, और पेशेंट की लाइफ ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती है आफ्टर 2 मंथ्स। आप कुछ रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सजेस्ट करना चाहोगे दूसरा एक्सरसाइज सिंपल एक्सरसाइज है जिसमें आप बैठ के आराम से बैठ के नाक से लंबी सांस लेनी है और मुंह से धीरे धीरे छोड़ते रहना है, तो ये सबसे सिंपल है, ये जो आप आराम से हर 1 घंटे बाद कर सकते हैं। और बहुत सारी हैं जिसके लिए आपको चेस्ट फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन ये 2 सिंपल हैं जो एवरी आवर हम कर सकते हैं। और साथ में आप हमेशा खांसी अगर है तो आप पानी और लेमन हनी ये सब ले सकते हैं। जो लोग थोड़े मेंटली डिस्टर्ब हो गए हैं, किसी का जॉब चला गया है, किसी के घर वाले, कोई किसी का डेथ हो गया है, इस टाइप के भी बहुत लोग हैं, उसके फिर समझिए कि एक मेंबर के लॉन्ग कोविड और हो गया, तो वो अपना मेंटल कंडीशन को कैसे सुधारे, इसके लिए कोई सजेशन देना चाहोगे? सबसे ज्यादा नुकसान इमोशनल हेल्थ को ही हुआ है कोविड में। आज जितने भी कोविड के मरीज हैं उनको बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह से काफी कुछ प्रॉब्लम आती है, नींद नहीं आना, रात को नाइट में जाने, आईसीयू के सपने आने, ये सब काफ़ी कुछ होता है। तो उनको इनिशियली तो हमें एंटी डिप्रेशेंट और कुछ एंग्जियोलाइटिक दवाई देनी पड़ती है, फिर कुछ अपने मेडिटेशन टेक्निक्स है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, फैमिली मेम्बर्स का सपोर्ट है, यारों दोस्तों का सपोर्ट मिलता है, तो वो उससे बाहर निकल के आ जाते। कुछ इसमें मेडिटेशन का भी रोल है? मेडिटेशन का बहुत रोल है। आप ऑनलाइन भी आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या आपके घर में जो लोग रेगुलर मेडिटेशन कर सकते हैं उनसे आप गाइड ले सकते हैं। ये कोई इतना डिफिकल्ट मतलब ये प्रोसेस स्टार्ट करना आपको मेडिटेशन का, उससे आपको ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी कम हो जाती है। डॉक्टर कमल, आपने करीब करीब हम लोगों ने सब कुछ लॉन्ग कोविड के बारे में टच किया, आप कुछ इन नट सेल समराइज करके कुछ एडवाइस देना चाहोगे सब दर्शकों को? हम सब इस वक्त बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे हैं कोविड की वजह से, और कोविड हर दिन नए नए रूप लेके हमारे सामने में, नए नए सिम्टम लेके हमारे सामने में आ रहे हैं, और हम उससे लड़ने के लिए भी तैयार हो रहे हैं। हर दिन साइंस भी बदल रहा है, इसमें 3 चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है जब भी आपको कोविड हो जाए या कोविड के बाद, वो है कि आप अपना मॉनिटरिंग नहीं छोड़ो, है ना, आप अपना पल्स, बीपी, ऑक्सीजन जो चेक करते हैं वो दिन में एक बार जरूर चेक करें, और अगर आपको कोई तरह की भी सिम्टम आ रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो आप अपने डॉक्टर से कॉन्टेक्ट करें, हफ्ते में एक बार अपने डॉक्टर से टच में रहें, और जो डॉक्टर आपको टेस्ट एडवाइज करते हैं, स्पेशली जो पोस्ट क्रॉनिक लॉन्ग कोविड है उनको तो हफ्ते और 15 दिन के बाद एक बार रूटीन ब्लड टेस्ट जो इन्फेक्शन के हैं वो करने जरूरी है, बाकियों को इतना टेस्ट की जरूरत नहीं है, जो माइल्ड है उनको आप जस्ट डॉक्टर से एक बार कंसल्टेशन में रहें आफ्टर 1 वीक। और दूसरा, अपना डाइट पे ध्यान रखें, धीरे धीरे एक्सरसाइज करें, बहुत जल्दी नहीं करें काम करने की,
धीरे धीरे अपने काम पर जाएं, जितना आपकी हेल्थ परमिट करती है उतना ही आप बैलेंस बना के काम करें, और रेस्ट जरूर लें, जितना सोएंगे जितना रेस्ट लेंगे उतना जल्दी अपनी हेल्थ रिकवरी मोड में आएंगे। बहुत लोग बदनाम कर रहे हैं, वैक्सीनेशन को भी बहुत लोग बदनाम कर रहे हैं कि वैक्सीन के बाद ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। क्या वैक्सीन में कोज दिस कोविड लॉन्ग कोविड टाइप ऑफ सिंड्रोम, इज इट पॉसिबल?